नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी खाना खजाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम है पर ऐसे में कुछ ना कुछ गर्म खाने के लिए चाहिए, तो हमने सोचा आज बनाते हैं कुछ एकदम करारे करारे से, एकदम क्रिस्पी से समोसे, जो कि बरसात में, गर्मी में, सर्दी में कभी भी खा सकते हैं और छोटे बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज एकदम करारे करारे से समोसे। फ्रेंड्स, पहले हम कवर के लिए आटा गूंद लेते हैं, यानी कि ये लिए हमने 2 कप। हम 2 कप मैदा लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो आटे से भी बना सकते हैं पर हम कुछ थोड़ा चेंज बनाएंगे, इसके लिए मैदा यूज किया है। आप आटा मैदा भी मिक्स करके बना सकते हो। 2 कप मैदा हम बनाएंगे एकदम जो बाहर मिलते हैं ना, वैसे समोसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जितनी अजवाइन, इसे भी हम मसल के ऐड कर देंगे। पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल। जो बाहर हलवाई लोग बनाते हैं वो घी और तेल दोनों मिक्स करते हैं, पर हमें बताते नहीं है। हलवाई वाली ट्रिक से ये खस्ता से समोसे बना के रेडी करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मसल देते हैं ताकि एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे समोसे एकदम खस्ता से बने। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुट्ठी बांध के देख लें, जब मुट्ठी बनने लगे तो सोच लें कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो भी गया है और अच्छी सी कवरिंग भी बन के रेडी होने वाली है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंद लेते हैं। ना ज्यादा कड़क गूंदना है, ना ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है, मीडियम सा गूंदना है ताकि हम आराम से इसे बेल सकें। ये डो हमारा बनके रेडी, एकदम टाइट भी नहीं, एकदम सॉफ्ट भी नहीं, ताकि हम आराम से इसे बेल सकें। और इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसे गूंदने के लिए हमें 1/2 कप पानी लगा है। अब करते हैं बाकी की तैयारी। ये लिए हमने 3 उबले हुए आलू। आलू को हमने पहले से उबाल के रख दिया था और इसे छील लिया है। अब हम इसे हाथों से ही मेस करेंगे क्योंकि हमें एकदम बारीक नहीं करना है। ये हमारी समोसे की स्टफिंग बनेगी। पहले उबाल के रख देते हैं तो इसमें पानी नहीं होता है और आलू एकदम अच्छे से मेस हो जाते हैं और ड्राई भी रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने हाथों से मेस कर दिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। ये लिए हमने एक पैन, इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे, यानी कि 2 चम्मच जितना, बस इतना ही तेल ऐड करना है क्योंकि हम मसाले की स्टफिंग बना रहे हैं। और इसे गर्म होने देते हैं। गैस को ऑन कर दिया है, तेल गर्म हो गया है। इसमें ऐड करते हैं 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच साबुत सौंफ। गैस को रखेंगे लो फ्लेम पे, 1/3 चम्मच हींग,
फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने दो हरी मिर्ची को कटिंग कर लिया है, उनको तो इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही ये हमने एक इंच टुकड़ा अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच हरे मटर। ये फ्रोजन हरे मटर है, इनको उबाला भी नहीं है, इसलिए इसमें पहले ऐड कर दिया ताकि थोड़े पक जाए। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से काजू, काजू के टुकड़े और थोड़ा सा किशमिश। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हम इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम जो आलू का मसाला बनाया था उसे इसमें ऐड कर देते हैं। अब बाकी मसाले हम ऐड करेंगे। गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। यदि आप खट्टा ज्यादा खाते हो तो अमचूर पाउडर थोड़े ज्यादा ऐड कर सकते हो। हम इसमें 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। और जो हलवाई लोग नहीं बताते हैं सीक्रेट, वो यानी कि काला नमक। हलवाई लोग हमें ये काला नमक नहीं बताते हैं, इसका सीक्रेट थोड़ी सी कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नॉर्मल नमक, क्योंकि हमने काला नमक ऐड किया है इसलिए नॉर्मल नमक कम ऐड करेंगे। और इन सबके साथ हरा धनिया ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम समोसे बनाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जितना पुदीना, क्योंकि पुदीना हम जानबूझ के बाद में ऐड करेंगे ताकि इसके जो खुशबू है वो बनी रहे और इसे हमारे समोसे का टेस्ट बहुत ज्यादा उठ के आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हम मसाले को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए। फिर हम समोसे की तैयारी करेंगे। साइड में हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आटे को भी चेक कर लेते हैं, ये भी अच्छा सा भीग गया है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे इस तरह से, भूख के आकार जितनी लोइयां तोड़ के इस तरह से कर लेंगे। सारी लोइयां इसे तोड़ लेते हैं। सभी लोइयों को हमने तोड़ लिया है। अब हम इन्हें बेलेंगे। लिया हमने एक चकला और इस पे लोई को रख दिया है। अब इसे बेल लेते हैं। ना ज्यादा पतला बनाना है ना ज्यादा थीक बनाना है, और इसे ओवल शेप का बेलना है। मैदा है इसलिए खींचेगा। ये हमने ओवल शेप का बेल लिया है, ये देखिए ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है, और इसे हम फोल्ड भी कस कर सकते हैं। अब हम इसके बीच में से ऐसे कट लगा देंगे और इन्हें साइड में रख देते हैं। सब बन जाएंगे फिर हम इन्हें साथ में सारे समोसे बनाएंगे। इसी तरह से सारे बेल लेते हैं, इस तरह से सारे बना के कट लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैदा डस्ट करके इन्हें रख लेंगे। ये बेल गए हैं, अब इन पे
कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि ये आराम से चिपक जाए। और इसे हाथ में लेके कुछ इस तरह से यहाँ भी पानी लगा देंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। कुछ इस तरह से हम बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज के बनाने वाले हैं। और मसाला एकदम ठंडा हो गया है तो हम इसको इस तरह से दबा के भर देंगे ताकि मसाला अंदर तक मिल जाए हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कुछ इस तरह से जो बाजार में मिलते हैं ना उसी तरह से फोल्ड करके सील कर देंगे। है ना एकदम अच्छी तरह से हो गए ना पैक। दूसरे को भी इसी तरह से पानी लगा देंगे और पहले हम इसे बाहर की साइड पानी लगाएंगे और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से खोल लेते हैं। अब हम इसमें वापस मसाला भरेंगे। मसाला एकदम दबा के भरना है ताकि ये खाली न रहे। ये हमारे सारे समोसे बनके रेडी एकदम बैठे बैठे हुए से। फ्रेंड्स, यदि आपको स्टोर करना हो तो आप इस टाइम इनको भर के एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में इन्हें 2 से 3 दिन रख सकते हो। ज्यादा ना रखें नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अब हम चलते हैं गैस की ओर। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। हमें बहुत ज्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए नहीं तो ये समोसे ऐड करते ही लाल हो जाएंगे, इसलिए मीडियम गर्म तेल चाहिए। पहले एक को ऐड करके देखते हैं तेल सही गर्म है। एक बार में जितने हैं उतने ही ऐड करें और इन्हें मीडियम आंच पे पकाएं, हाई पे नहीं, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इन्हें निकालेंगे। हमने बहुत बड़े बड़े समोसे नहीं बनाए हैं, छोटे बनाए हैं क्योंकि हमारे बच्चे को ये छोटे वाले पसंद है। ये हमारे समोसे तल गए हैं, ये देखिए हो गए ना गोल्डन गोल्डन से। क्योंकि इससे ज्यादा इनको पकाएंगे यानी कि तलेंगे तो ये काले काले हो जाएंगे यानी कि डार्क कलर के हो जाएंगे, क्योंकि इनको निकालने के बाद भी इनका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है। इन्हें निकाल लेते हैं, दूसरे को ऐड कर देंगे। इनको भी गोल्डन होने के बाद पलट पलट के सेक के निकालेंगे फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। ये हमारे एकदम गर्मा गर्म समोसे बनके रेडी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और ये हमारे गर्मा गर्म से समोसे खाके कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, ये हमारे एकदम गर्मा गर्म समोसे बनके रेडी। हमने इनके साथ मिर्ची गोभी तल दिया है और इनके साथ रखी है हमने इमली की चटनी जो कि इनके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसका वीडियो हमने दिया है, आप हमारे लिंक पे जाके देख लें। और फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम गर्मा गर्म और एकदम टेस्टी से, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी से हमारी ये समोसे हैं।